लेट से वो गाड़ी जो आप खरीदना चाहते हो वो 15 लाख रुपए के ऑन रोड प्राइस पर मिल रही है, बट क्या आप 15 लाख रुपए में वो गाड़ी खरीद सकते हो? बिल्कुल नहीं। आपको 15 लाख की गाड़ी खरीदने से पहले 21.5 लाख रुपए कमाने पड़ेंगे, तब आप उस पर 30% का टैक्स दोगे और बचे हुए पैसे से गाड़ी खरीदोगे। और जब गाड़ी खरीद रहे हो तो उसमें से भी करीब 5 लाख रुपए के तो सिर्फ टैक्सेस ही पे कर रहे हो, एक्साइज ड्यूटी, GST, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग। फिर एक बार आप गाड़ी घर लाओगे और उसको मान लो आपने 1 लाख किलोमीटर चला दिया, पेट्रोल तो 100 रुपए का है ही और आपकी गाड़ी की माइलेज पकड़ लेते हैं 15 किलोमीटर पर लीटर। इस हिसाब से 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाने का पेट्रोल का खर्चा आएगा 6.5 लाख रुपए। बट मजे की बात क्या है, पेट्रोल का बेस प्राइस तो बस 2,33,000 ही है, बाकी सारा तो एक्साइज ड्यूटी, वैट एंड डीलर कमीशन है। और भी मजे की बात पता क्या है, 6.5 लाख का पेट्रोल भरवाने के लिए आपको 9.5 लाख रुपए कमाने पड़ेंगे ताकि उस पे 30% टैक्स देने के बाद जो बचा हुआ पैसा है उससे आप पेट्रोल खरीदोगे। तो 15 लाख की गाड़ी को खरीद कर 1 लाख किलोमीटर चलाने के लिए आपको कमाने पड़ेंगे 31 लाख रुपए। और मजे की बात पूछो, इसमें मैंने सर्विस, रिपेयर, मेंटेनेंस कुछ भी ऐड नहीं किया है।